हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है दोस्तों आज दो हम बात करने वाले हैं आपका यू पी पी एस सी आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के बारे में क्योंकि लगातार बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं सर इसका पेपर जो रद्द होगा आपका या नहीं होगा तो देखिए दोस्तों पहले जो पता होगा तो लगातार धरना प्रसन्न आपको जा रही है लेकिन दोस्तों जो आपका धरना प्रसन्न हो रहा है इलाहाबाद में वहाँ पर बहुत ही कम बच्चे आपके पहुँच रहे हैं और इसके दोस्तों बहुत सारे रीज़न देखिए एक तो और रीज़न आपका ये है सॉरी ये है कि आपका जो पी सी एस का एग्जाम है वो आपका होने जा रहा है सत्रह मार्च को तो उस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ बच्चों को डर लग गया जैसे आपने देखा वो छब्बीस तारीख को आपका लाठी चार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा तो दोस्तों दीख मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है तो अगर आप इलाहाबाद या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप जरूर पहुँचें अगर मान लो दूर होकर नहीं पहुँच पाते तो अलग बात है लेकिन अगर आप इलाहाबाद के आसपास में एरिया में हो तो आप जरूर पहुँचें और साथोश एग्जाम की बात की जाए कैंसिल की दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरी संभावना है कि जो आपके आयोग के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस पेपर लीक में शामिल है तो दोस्तों यही भी एक मेन रीजन है जो पेपर का रद्द करने का आपका आ, जो आपका आयोग है वो पेपर पेपर को रद्द नहीं कर रहा है क्योंकि आपने देखा होगा सारे सबूत मिल चुके हैं यहाँ पेपर एक दिन पहले ही आपका लीक हो गया था और साथ ही आपने देखा होगा यूपी तक जो चैनल है आपको उसने भी दिखा होगा यूट्यूब पर आपने ठीक है वहां भी सारे सबूत दे दिए गए कि पेपर जो था आपका एक दिन पहले वायरल हो गया था तो दोस्तों इतने सबूत हैं कि पेपर दोनों आपके आउट हुए जीएस का भी हिंदी का भी लेकिन उसके बावजूद आपका पेपर जो आपका आयोग जो कैंसिल नहीं कर रहा है और दोस्तों यही प्रक्रिया आपकी हुई थी जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था सत अठारह तारीख को उसमें लेकिन उसमें क्या था कि ज़्यादा बच्चे आपके पहुँच गए थे रहने में और साथ जो टीचर वगैरह थे यूट्यूब पर जो बड़े टीचर थे आपके वो भी इसमें आपके शामिल हो गए थे तो ये रीजन था कि सरकार पर दबाव भी था आपका तो जिस कारण इस पेपर को आपका रद्द करना पड़ा था ठीक है ये बात आपकी हो गई दोस्तों देखिए इतना कन्फर्म है देखिए या तो देखिए आने वाले कुछ दिनों में पाँच दस दिनों में या तो आयोग इस पेपर को रद्द करेगा अगर दोस्तों आयोग इसको रद्द नहीं करता है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है इसमें आपका हाई कोर्ट जाने का ठीक है इतना कन्फर्म देखिए जो सबूत हैं कोर्ट से पेपर आपको रद्द होगा लेकिन इतना ही दोस्तों कहना चाहता हैं कि पूरी संभावना आपकी नाइनटी नाइन परसेंट कि पेपर तो आपका दोबारा होने होना है वो कब होगा सर कुछ कन्फर्म नहीं देखिए इतना हो सकता है अगर मान लो केस आपका हाई कोर्ट में जाता है तो पेपर होने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर देखिए आयोग आपका पेपर कैसे करता है तो हो सकता है अगर जून जुलाई में आपका जो एग्जाम है एग्जाम वो आपका कंडक्ट करा लिया जाए चुनाव के बाद ठीक है लेकिन इतना कन्फर्म है आपका जो एग्जाम वो हो, कैंसिल होगा तो साथ दोस्तों उसका कहना चाहता हूँ देखिए चाहे आप पी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आपने आर ओ ए आग्जाम की तैयारी करो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग